भाजपाइयों ने बूथ समितियों का सत्यापन कराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के आदेश अनुसार समस्त कार्यकर्ताओं को एवं पदाधिकारियों को बूथ समिति के सत्यापन कार्य में लगाया गया है, जो कि गांव-गांव, कस्बे-कस्बे हर बूथ तक जाकर लोगों से रूबरू हो तथा उनकी परेशानियों का निदान करें एवं बूथ समितियां सत्यापित होना चाहिए, जो कि पार्टी का मेन उद्देश्य है कि जो भी कार्यकर्ता धरती स्तर का हो और अपने बूथ को मजबूत रखने की क्षमता रखता हो, उसी व्यक्ति को पार्टी में रहने का अधिकार है, क्योंकि पार्टी को ओरिजिनल काम होना ही पसंद है। हमीरपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता अपनी जिले की टीम सहित पूरे जनपद के हर बूथ का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी प्रकार सुमेरपुर पूर्वी मंडल अध्यक्ष हरिमर्दन सिंह, सुमेरपुर पश्चिमी मंडल अध्यक्ष चक्रवर्ती शुक्ला अपने सभी सेक्टर संयोजक व सेक्टर प्रभारियों के साथ मिलकर काम करने को बराबर प्रेरित कर रहे हैं। इस कार्य में सेक्टर प्रभारी श्री जगदीश व्यास व सेक्टर संयोजक सुनील सिंह, पवन सैनी, अरविंद श्रीवास्तव, लालमन पाल, रवि सिंह इत्यादि कार्यकर्ता अपने कार्य को करने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। के प्रदेश कार्यालय के आदेशानुसार हमारे जिले के जो अध्यक्ष हैं ब्रजकिशोर गुप्ता जी, तो उनका आदेश हुआ कि हमको सभी गांव में बूथ तक जाकर के सेक्टर संयोजक और सेक्टर प्रभारी के माध्यम से उनमें जो समितियां हैं उन सभी समितियों को सत्यापित करना है। कि जो पुरानी समितियां हैं आखिर वो समितियां समिति के सदस्य जो हैं एक्टिव हैं या नहीं, या कुछ लोग काम करना चाहते हैं या नहीं, तो ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना है। चिन्हित करने के बाद में उनको हमें बदल करके दूसरे व्यक्तियों को करना है, जो कि जो व्यक्ति हमारी पार्टी में रह करके धरती लेवल का काम कर सके, यानी कि हमारे बूथ को मजबूत कर सके। बूथ के अंतर्गत जितने भी हमारे ग्रामीण रहते हैं उनको समय समय पर हमारी शासकीय व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री CM साहब जो हमारे हैं योगी जी, उनके द्वारा जो हमारे गरीबों को, असहायों को इस तरह कोरोना जैसी महामारी में जो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, राशन वितरण किया जा रहा है, राशन कार्ड बनवाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमको देखना है या कि हमारे बूथ में हमारे बूथ के नागरिकों को वो सब प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर प्राप्त हो रहा है तो वो संतुष्ट है या नहीं है, आखिर उसको क्या प्रॉब्लम है, अब आगे वो क्या चाहता है, ये सब हमारा कार्य सिर्फ बूथ से ही हो सकता है। जब हमारा बूथ मजबूत होगा तब हमारा देश मजबूत होगा, तब हमारी सरकार मजबूत होगी। कारण है कि जो भी हमारा मेन में नेतृत्व है वो बूथ से ही होता है, इसलिए हमारा ये सत्यापन का कार्य चल रहा है, जो कि हमारा 31 तारीख तक चलेगा। और हमारे सारे सेक्टर संयोजक और हमारे सेक्टर प्रभारी एवं हमारे मंडल अध्यक्ष सारे लोग अपना समय दे रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और ये प्रपत्र भरने के बाद में हमारा सेक्टर संयोजक और सेक्टर प्रभारी के द्वारा हस्ताक्षर होकर के मंडल अध्यक्ष के पास जाएगा। मंडल अध्यक्ष हमारे जिले में भेजेंगे, उसके बाद वहाँ से लिस्ट हमारी फेयर होगी और उसी लिस्ट के अनुसार हमारे बूथ अध्यक्ष का काम आगे चल पाए। जय श्री।